भागवत का प्रथम द्वितीय स्कंध भगवान का दो चरण, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान का दो गुरु, पंचम स्कंध भगवान का नाभि कमल, षष्ठ और सप्तम स्कंध भगवान का दो हाथ, अष्टम स्कंध ये भगवान का वक्ष स्थल, नवम स्कंध भगवान का कंठ, दशम स्कंध भगवान का मुखारविंद, एकादश स्कंध भगवान का ललाट और द्वादश स्कंध भगवान का सर। अभी प्रश्न है, जो दशम स्कंध ये भगवान का मुखारविंद होता है, बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, जैसे एक व्यक्ति को हम कैसे पहचानते हैं, अगर गला काट दो ना तो पूरा शरीर रहे हम नहीं पहचान पाएंगे, अगर कुछ नहीं लेकिन उनका सर है, मुखारविंद है, फिर हम पहचान लेते हैं ये कौन है, अमुक व्यक्ति, बोले ये अमुक व्यक्ति है। इसलिए जब एक व्यक्ति को हम दर्शन करते हैं, हमारी नज़र कहाँ पर, उनका प्यार में हाथ ना कहाँ पर नज़र पड़ता है, मुख को पर, मुख को पर। इसलिए कहते उसी तरह शरीर का सर्वश्रेष्ठ अंग जैसे ये सर है, उसी तरह कहते ये श्रीमद् भागवत में जो सार किया है, इसलिए दशम स्कंधों क्या बताया, ये आश्रय है, ये आश्रय है, मतलब है कहते हमारा जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्रेम, भगवत प्रेम है, भगवान का प्रेम ही जीवन का, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए कहते हमारा जो आश्रय है क्या है, कहते भगवान की प्रेम, भगवत कथा ही जीवन का यही आश्रय है। फिर उसके अंदर में फिर एक व्यक्ति सुखी ना दुखी फिर कैसे पता चलेगा, क्या देखने पर सुखी दुखी पता चलता है, अगर एक व्यक्ति अगर हंस रहा है हम सोचे भैया ये व्यक्ति सुखी है, अगर मुंह लटका हुआ है फिर समझेंगे ये व्यक्ति दुखी है। फिर उसी तरह दशम स्कंध तो ये आश्रय है, कहते उसमें जो भगवान का जो रासलीला है, कहते ये क्या, कहते ये हंसी, ये हंसी है, क्योंकि हमारा जो अंतिम जो कहते ना नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री रास मंडल, भक्त में ठाकुर कहते हैं श्री रास मंडल नियुक्त कर हमाय ललिता सखीर अयोग्या किंकर विनोद धैर्य भाय, जीविका जो लक्ष्य है एक दिन प्रभु की वो रास में प्रवेश करना। इसलिए कहते भागवत किया दशम स्कंद किया है, कहते ये हमारा आश्रय है, आश्रय ही ये भागवत है। कहते एकादश स्कंध का लक्षण किया, बोले मुक्ति है, ये मुक्ति है। अभी जीव को भगवत प्राप्ति पर होगा कैसे, दशम स्कंद तो ये आश्रय है यही है, लेकिन अभी उस वस्तु को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, आश्रय होने पर भी नहीं होगा, उसको प्राप्ति का उपाय तो होनी चाहिए ना। कहते जो एकादश स्कंद किया, कहते ये है कि ये मुक्ति, मतलब कैसे हम भगवत को प्राप्त करें, इसका ये लक्षण है। इसलिए एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद जो है ना, इसलिए भागवत का जो लास्ट में ये चीज को रखा, क्योंकि अभी तो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद ये सबको सुनते 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 आए, कैसे संसार से वैराग्य होगा, कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हो, उसमें कितने कितने बाधाएं आती है, इसलिए एक एक राजाओं का चरित्र को उठापन करके दिखाया कैसे कैसे ये राजाओं ने संसार में विषय भोग किए, लास्ट में उनको तृप्त नहीं मिला, लास्ट में सब कुछ छोड़ छाड़ कर किया गया, भगवत भजन किया तो तभी जीवन में उनको शांति और सुख मिला, शांति और सुख मिला। इसलिए एकादश स्कंद द्वादश स्कंद को लास्ट में रखे, अभी हम भगवत प्राप्ति को कैसे कर सकते, भगवत प्राप्ति हमारी कैसे होगी, इसलिए ये एकादश स्कंद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण ये स्कंद है। लेकिन यहाँ पर चलो प्रभुपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसमें लास्ट में दिखाया जद्दुवंश में कैसे आपस में लड़ाई हुई और लास्ट में कैसे ये जद्दुवंश समाप्त कैसे हो गया। फिर यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न आता है कहते ये जद्दुवंश तो कोई साधारण थे नहीं, ये तो कृष्ण के बेटे हैं, उनका नाती पोती है, फिर ये लोग पृथ्वी का भार कैसे हो गए, ये लोग
पृथ्वी के भार कैसे बन गई, जो भगवान की जो पुत्र बेटे नाती ये भार कैसे बन गई, और आपस आपस में लास्ट में कैसे लड़ाई करते हुए सब के सब खत्म है। केवल इतना नहीं, लास्ट में कृष्ण का चरण में भी है वो सबर वो तीर मारता है, फिर उसको द्वारा भी कृष्ण दिखाई पड़ता है। कृष्ण उसको द्वारा उसी अंतिम समय में अभी अपना अंतर्ध्यान लीला को स्थापन करते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों के अंदर में ये भ्रम आ जाता है, ये कैसे लीला है भगवान की, कैसे ये सबके सब आपस आपस में मर करके कैसे मर गए। तब यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं इसी विषय पर, कहते हाँ कुछ लोग हैं जो पृथ्वी के भार स्वरूप थे, सब नहीं, उसमें कुछ लोग जो ये भार स्वरूप थे। बोले कौन है, बोले दुर्योधन दुशासन आदि थे, ये पृथ्वी का भार हो गए थे। लेकिन कृष्ण का जो अपना जो परिवार के लोग थे, कहते ये कैसे भार हो गए, ये कैसे भार हो गए। बोले नहीं, एक उदाहरण दिया, एक स्त्री हमारे पहले पहले ये रिवाज था, बहुत गहना पहना करती थी पहले पहले स्त्रियाँ, बहुत जब शादी वगैरह आती थी ना, पूरा सर से ले पैर तक 5-10 किलो सोने के गहना पहना करती थी। हैं, अभी एक स्त्री 5-10 किलो एकदम गहना पहन करके नाक में मुंह में कान में सारा शरीर में सोने सोने के अलंकार, और चलते ही देखो मैं कितने सुंदर लग रही, देखो मैं कितने सुंदर लग रही उसको। और अगर 5-10 किलो कोई अगर पहन ले, लगती तो सुंदरी, लेकिन वो तो बोझ है ना, एक तरह का भार है। पति ने कहा ये क्या पहन रखी हो, सारा शरीर में 5-10 किलो की सोने की गहना, देखो ना मैं कितने सुंदरी लग रहे हूँ। वे लग रहे तो सुंदरी, लेकिन इतने सारे गहना को तुम क्यों क्यों पहने हुए हो। हाँ मेन मेन जगह पर पहन लो। इतने में पति क्या करता है, उसका शरीर से है जो इतने मोटे मोटे सोने चांदी पहन के सब को उतार दिया, उन्हें उतार कर क्या कर दिया, एक नाक में रख दिया एक सुंदर सा, एक कान में रख दिया, एक गले में हार रख दिया, एक कमर में करधन रख दी, हाथ में कंगन सोने की रख ली, पैर में पायल पहना दी। हाँ एक एक रख करके हाँ सारे को चीज को उन्होंने उतार दिया। जब उतार दिया तो देखो अभी कितने भोजन कम हो गया ना, कितने भोजन कम हो गया, और देखने में सही लग रहे हो, और 5-10 किलो अलंकार पहन कर घूम रही थी इतना भोजन को। कहते तो उसी तरह जो पृथ्वी है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हाँ ठाकुर वैष्णव पद अव निरसु संपद सुन भाई हैया एकमान। कहती ये पृथ्वी का संपद क्या है, कहती ये पृथ्वी का संपद ही वैष्णव है। इसलिए कहती ये पृथ्वी का ये अलंकार है, इसलिए कहते ठाकुर वैष्णव पद अव निरसु संपद, वैष्णव का चरण ही पृथ्वी का, यही पृथ्वी का यही संपत्ति है, यही अलंकार है। इसलिए जब एक वैष्णव ये पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है, कहते वसुंधरा बसती से धन्या, ये पृथ्वी भी अपना को जीवन को धन्य मानती है, एक शुद्ध वैष्णव यहाँ पर जन्म ग्रहण किया। जब कृष्ण प्रेम में उन्माद होकर के वो नृत्य करते हैं, उनका चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी भी अपना को धन्य मानती है, हमारे कितने सौभाग्य है। इसलिए लेकिन कृष्ण ने देखा पृथ्वी का संपत्ति तो वैष्णव है, लेकिन इतना वैष्णव हो गए कृष्ण बलदेव प्रभु प्रद्युम्न अनिरुद्ध शंकरसर, और कृष्ण का जो इतने जो बेटे लोग थे, कृष्ण का बेटे कभी पृथ्वी का भार हो सकते हैं, और कृष्ण का जो पटरानिया 8 पटरानिया और जितने रानियां, ये कभी पृथ्वी का भार हो सकते हैं। ये तो कृष्ण का निजे जन है, कृष्ण का जो पिता है उनको जो माता है परिजन है, कहते पृथ्वी का भार कैसे हो सकते हैं। नहीं कहते भार नहीं, कहते पृथ्वी का अलंकार है, ये पृथ्वी का अलंकार है। अभी पृथ्वी इतने अलंकार को पहन ली, इतने अलंकार को पृथ्वी सोचती है, देखो जैसे स्त्री सारे इतने 5-10 किलो का सोने पहन करके देखो मैं कितने सुंदर लग रही हूँ। इसलिए ये पृथ्वी इतने सारे वैष्णव को धारण करते हुए इतने प्रसन्न हो रहे हैं, देखो जगत में एक शुद्ध वैष्णव है, एक शुद्ध वैष्णव कहीं अगर अवतीर्ण हो जाए। चैतन्य भागवत में कहते हैं तहार प्रभाव कोटि योजन निस्तारे, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं
एक शुद्ध वैष्णव अगर कहीं जन्म ग्रहण कर लिया, बोले एक वैष्णव का प्रभाव से बोले कोटि जोजन निस्तारे, बोले करोड़ जोजन तक उधार हो जाता है। इसलिए जब वो दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनका जो दृष्टि प्रेममय दृष्टि है, जब वो प्रेममय दृष्टि से देखते हैं दुनिया को, तो जितना दूर तक केवल उनका दृष्टि जाती है वो सारे दृष्टि प्रेममय दृष्टि उनकी है। कहते प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो विलोकयंतम। इसलिए वो प्रेम रूपी अंजन लगाते हैं, इसलिए सारा दुनिया पवित्र पवित्र, सारा दुनिया पवित्र हो जाती है। इसलिए पृथ्वी आनंद में भर रही थी, अरे देखो कितने वैष्णव मेरे ऊपर में, कितने वैष्णव है, हैं? लेकिन कृष्ण ने देखा पृथ्वी एक स्वरूप में सत्यभामा का रूप है, पृथ्वी सत्यभामा का स्वरूप है, भू शक्ति है, इसलिए बोले तेरे को इतने अलंकार पहनने का जरूरत नहीं। हाँ लगती तो सुंदरी हो, लगती हो सुंदरी, लेकिन इतने अलंकार तुम्हें पहनने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, बोले उतार दे, बोले नहीं कितना सुंदरी लग रहे हो, देखो सारा शरीर में अलंकार, बोले इतना भोजन को ढो करके तेरे कष्ट हो रहा है, 5 किलो 10 किलो सोना कभी पहनते है, बोले नहीं अच्छी तो लग रही, बोले अच्छी तो लग रही हो लेकिन चलने फिरने में दिक्कत है ना। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने शरीर से सारे अलंकार को उतार दिया। इसलिए जो दिखाई पड़ता है, जो युद्ध हुआ है, हैं? जो कुरुवंश ये जद्दुवंश में जो आपस आपस में जो युद्ध हुआ है, कहते युद्ध नहीं हुआ है, कृष्ण अपना हाथों से उनके अलंकार को उन्होंने उतार दिया। उतार करके उन्होंने क्या किया, 2-4 केवल अलंकार रख दिया। बोले किसको, बोले एक उद्धव जी को रख लिया, बोले एक विदुर जी को रख लिया, एक मैत्रेय को रख लिया, है। इसलिए केवल पृथ्वी के ऊपर में कुछ संतों को रख लिए, श्री बज्रनाभ को रख लिए, हैं, बज्रनाभ को रख लिए। ऐसे ही कृष्ण क्या किया, थोड़ी वैष्णव को रख दिया, बस इतने अलंकार तुम्हारे लिए काफी है, इतने अलंकार तुम्हारे लिए काफी, क्योंकि एक एक वैष्णव जब जन्म ग्रहण करते हैं तो उसका प्रभाव से करोड़ों जोजन तक उधार हो जाता है, बोले बस इतना तुम्हारे लिए बहुत है। इसलिए कहते भार नहीं, ये पृथ्वी का भार नहीं, ये पृथ्वी का सौंदर्य थे। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले हाँ उसमें कुछ कुछ भार भी थे। बोले कौन कौन भार थे, कहते उन लोग को भार थे जो लोग कृष्ण वंश में जन्म ग्रहण करते हुए उनका अंदर में अभिमान हो गया था, उनको ये अभिमान हो गया था, अरे हम क्या कम है कृष्ण से, हम कोई कृष्ण से कम नहीं, हम भी कृष्ण के वंश थे, हम कोई कृष्ण से कम नहीं। कुछ दुष्ट भी हो गए थे, अभी कृष्ण भी जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अब देखे होंगे जैसे कोई अभी बंगला में कहते हम नित्यानंद परिवार है, हम अद्वैत परिवार है, हैं, हम अद्वैत परिवार, हम नित्यानंद परिवार, अभी भी बंगाल में बड़े अभिमानी करते हैं, लेकिन उनको महापुरुष से कोई उसका मतलब नहीं, महापुरुष से कोई मतलब नहीं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, भजन भजन से कोई भी मतलब नहीं, लेकिन अभिमान क्या करते हैं, अरे हम नित्यानंद कुल के, हम नित्यानंद प्रभु का वंशधर है और हम अद्वैत के वंशधर है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का वंशधर से वीरभद्र प्रभु और श्री अच्युतानंद का में कौन है, श्री अद्वैत आचार्य का श्री अच्युत उनका बेटा और नित्यानंद प्रभु का बेटा वीरभद्र है, लेकिन ये जो दोनों यद्यपि इन्हीं वंश में उनका और भी बच्चे थे, लेकिन अद्वैत आचार्य उन्होंने 4 बेटे ना कितने बेटे थे उन्होंने और किसी बेटे को अपना पुत्र रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने केवल एक अच्युतानंद को ही उन्होंने अपना बेटे रूप में स्वीकार किया। बोले क्यों, एक समय किसी ने आकर के बोल दिया अद्वैत आचार्य को, पूछा बोले महाप्रभु का गुरु कौन है, तो उन्होंने बोल दिया ईश्वरपुरी बात है। इतने में अच्युतानंद भड़क गया, बोले पिताजी आप इतने बड़े आदर्श होकर के जो जगत गुरु कहते ना कृष्ण बंदे जगत गुरु है, जो जगत गुरु है आप कह रहे उनका गुरुदेव ईश्वरपुरी, जो जगत का जो गुरु है, आप प्रामाणिक होकर के कैसे आप बता रहे हो उनको गुरु ये है। जब उन्होंने ये बात सुनी ना गोद के ऊपर बैठे हुए थे, छलांग लगाकर नीचे उतर गए अच्युतानंद और ऐसे ऐसे तत्व दर्शन की बात की, अद्वैत आचार्य तो मान गए कि मेरे सचमुच से ये मेरे पुत्र है जो हमारी धारा को महाप्रभु धारा को जो समझ रहे हैं। इसलिए नित्य उन्होंने केवल 4 पुत्र में केवल एक पुत्र को उन्होंने माना कि
ये मेरे पुत्र है, और किसको उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार नहीं किया। कहते नित्यानंद प्रभु का भी पुत्र थे, लेकिन उसमें जो वीरभद्र, कहते एक ही वीरभद्र है जिसको श्री नित्यानंद प्रभु अपना पुत्र रूप में स्वीकार करते हैं, और किसी को उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये जो दोनों व्यक्ति वीरभद्र और अच्युतानंद, इनका कोई वंश नहीं, ये दोनों ने शादी नहीं की, शादी नहीं की, इसलिए उन्हें कोई परंपरा रख कर गई नहीं। क्यों? भविष्य में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं आ जाए, आकर के नहीं बोले हम इसी परंपरा में हैं और नाम को तोड़ करके खाए नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु जी ने बच्चों को स्वीकार नहीं किए, श्री अच्युतानंद अद्वैत आचार्य जी जिन संतान को स्वीकार नहीं किए, अभी वो लोग कुलागार बन करके अभी अपना सब दुनियादारी उल्टा पुल्टा चीज खाते हैं और भजन भजन से कोई भी मतलब नहीं, लेकिन अपना अभिमान क्या करते हैं, हम अमुक वंशधर है, हम अमुक वंशधर। अभी बंगाल में बहुत इसी चीज को लेकर के लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, है? हम लोग ये वंशधर, ये वंशधर, ये वंशधर है, है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं उसी तरह कुछ ऐसे कुछ लोग हो गए थे जो लोग अपने आप को कृष्ण के बराबर मानने लग गए थे, इसलिए कृष्ण ने देखा इनको ध्वंस करने का जरूरत है, उनको ध्वंस कर। लेकिन कृष्ण के जो अनुकूल रूप में, कृष्ण को जो भगवान रूप में स्वीकार करने वाले, उनके लिए उन्होंने कोई पृथ्वी का बोझ नहीं, बल्कि पृथ्वी का भूषण है, पृथ्वी का वो दूषण नहीं थे। फिर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर फिर कहते हैं, कभी जो भैया कृष्ण भी तो चले गए, उनके चरण में व्याध ने तीर मार दिए, वो भी तो चले गए,